क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा, सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के एल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है, उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली ये है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेष नाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेष नाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है? वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं, वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार युग या चार भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग
और तीसरे हैं काकमुशुंडी देव। तक्षक और वासु की नाक के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभुशुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभुशुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हों। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है, जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ रहा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच चुके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी। इसका क्या मतलब?
वासुकी नागवाल है। जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था, ये राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जितने भी रहिवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को राष्ट्रदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान हुई। ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा दी। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चली गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक थे, उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान राम लल्ला ढांचे से निकलकर अस्थाई टेंट में आ गए, यानी राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।